नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर और मैं हूं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट। ऑरा स्कैनर यानी कि ऑरा को स्कैन करने का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास में, जिससे हम ऑरा स्कैन करके और बॉडी की प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जियोपैथिक का। दोस्तों, आज हर घर के अंदर बच्चे से लेकर बूढ़े तक एक दो वर्ड ऐसे सुनाई देते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कन्फ्यूज़न, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थाट, सुसाइडल थाट या बीमारी, या फिर आदमी कंफ्यूज है, घर में इतने झगड़े हो रहे हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो चुका है, झगड़े करने लग गए हैं, मियाँ बीवी, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ झगड़े होने लग गए हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है और आपका घर भी पूरा हरा भरा है, हरा भरा का मतलब बैंक बैलेंस अच्छा है, गाड़ी है, खाने पीने को कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी घर में झगड़े होते हैं, घर में परेशानी है, बीमारी नहीं जा रही है, तो दोस्तों कहीं हो सकता है कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस हो। दोस्तों, जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब है अर्थ यानी कि जमीन, और पैथिक का मतलब है डिजीज़, अर्थ से निकलने वाली डिजीज़। दोस्तों, अर्थ से निकलने वाली ये डिजीज़ जो है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि अर्थ से कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी निकलती है जो हमारे बॉडी के ऊपर अगर आए तो हमारी बॉडी को डैमेज करती चली जाएगी। और सिर्फ ये बॉडी पे नहीं, ये मैं पार्क में खड़ा हूँ, मैंने अभी कुछ वीडियो बनाई थी, आप कुछ पेड़ दिखाए थे जिनके अंदर, पेड़ के अंदर कैंसरस हो गया यानी कि उनको कैंसर हो गया। मैं कैंसर वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप उनको देखेंगे तो एबनॉर्मल शेप है उनकी, बिल्कुल एबनॉर्मल शेप है, डेवलपमेंट, बीमार जिसे पेड़ कहा जाता है वो। फिर मैंने कुछ घास दिखाई कि जहाँ पे हरी घास है और कहीं पे बिल्कुल घास नहीं है, सूख गई है। आपने भी कहीं पार्क में या किसी जगह पे देखा होगा कि घास जो है सूख जाती है, वहाँ डेवलपमेंट ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पे भी हमने चेक किया तो जियोपैथिक स्ट्रेस मिला। और कभी आपके शहर के आसपास कहीं बोर्ड लगा हुआ आपने देखा होगा जहाँ पे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया यानी कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र। दोस्तों, आप ज़रूर देखा होगा आपने, तो अगर देखा है तो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की रिसर्च क्या बताती है कि वहाँ भी जियोपैथिक स्ट्रेस मिला है। तो दोस्तों, जब इतनी बड़ी बड़ी हैवी टन की गाड़ियाँ जब एक्सीडेंट हो जाते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर, तो बताओ अगर वो ये स्ट्रेस लाइन अगर हमारे घर पे आ रही हो तो कितना बड़ा कांड कर देगी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। अब इसका लॉजिक समझाता हूँ दोस्तों। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। अगर मैं बोलूँ कि हमारा ब्रेन और बॉडी जो है वो 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, और अर्थ से निकलने वाला ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसे हम जियोपैथिक बोल रहे हैं, ये मे भी हो सकता है 200 हो, 250 हो। अब सोचिए कहाँ 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे हमारी बॉडी टॉलरेट करती है और कहाँ वो फ्रीक्वेंसी 200 या 250 है। तो नुकसान तो होना हुआ। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें इतनी बिजली का करंट लगाया जाए जितनी बिजली हमें झेल सकते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, एक वाइब्रेशन होगी, लेकिन अगर एक्स्ट्रा पावर की बिजली अगर हमें दे दी जाए तो क्या होगा, शॉक लगेगा, हो सकता है मेरे हार्ट पे इम्पैक्ट आए, मेरे ब्लड पे इम्पैक्ट आए, मेरी बॉडी पे, हो सकता है मैं मर भी जाऊँ। तो इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम अगर आप देख रहे हैं तो ये प्रॉब्लम जो है जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से आती है। और ये जियोपैथिक और क्या काम करता है आपको बताता हूँ। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की जो रिसर्च है वो ये कहती है कि जब रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स होते हैं तो वहाँ जियोपैथिक की दो लाइनें मिल जाती हैं जहाँ वो ग्रिड क्रिएट करती हैं और वहाँ पे पावर काफ़ी हाई हो जाती है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट बनते हैं। तो दोस्तों, अगर ये हमारे घर पे आ रहे हो तो अक्सर देखा गया कि अगर आपके घर पे आ रहे हैं और आप सो रहे हैं, अगर सर के पीछे से अगर ये स्ट्रेस लाइन जा रही है तो ये ब्रेन हेमरेज या ब्रेन क्लॉट दे सकती है। हार्ट पे से जा रही है तो हार्ट अटैक, हार्ट फेल कर सकती है। लीवर किडनी से जा रही है तो वहाँ इम्पैक्ट देगी। अगर पूरी बॉडी से जा रही है तो पूरी बॉडी से। इसकी शेडो लाइन भी होती है, शेडो मतलब परछाई। तो परिवार जो रहता है, हमारे साथ में रहता है, अगर वो शेडो लाइन के अंदर आ रहा है तो वो भी धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो जाता है और उनको हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, साइंटिफिक रीज़न, कि 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर बॉडी काम करती है और हमारी बॉडी को फ्रीक्वेंसी मिल रही है 200, 250, 150 या उससे भी अबव। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो बैक्टीरिया पैदा होता है वो 150 से लेके 180 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर पैदा हो जाता है। तो जहाँ बैक्टीरिया पैदा होता है वहाँ डिजीज़ लग जाती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ हमारी बॉडी के साथ ही नहीं है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था पेड़ का, कि पेड़ पे भी अगर एबनॉर्मल अगर आपको कहीं दिखे, हमारे पास तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे जियोपैथिक है। ऐसे ही मैंने गार्डन का बताया। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप घर में थके थके से रहते हैं, मतलब अगर आपको 10 घंटे भी सुला दिया जाए तो भी आप थके थके से रहते हैं, अनइजीनेस फील करते हैं, रात को कई बार नींद टूटती है, और कई लोगों को तो नींद आती है लेकिन फिर वो ऐसे आलसी हो जाते हैं कि उनका उठने का दिल नहीं करता, स्ट्रेस ज़्यादा फील होता है, घर से ज़्यादा बेटर फील, घर से बाहर निकल के ज़्यादा बेटर फील करते हैं, घर के अंदर आपको
इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है। घर में सब कुछ होने के बावजूद आपस में छोटी छोटी बातों को लेके आर्गुमेंट, छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ा, ईगो आ जाती है, अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। नेचर के नेचर में इतना बड़ा बदलाव आता है, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बॉडी की, और हमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिल रही है। दोस्तों अक्सर देखा गया कि बॉडी का जो पार्ट डैमेज होता है वो होता चला जाता है, और जब आदमी बहुत गंभीर बीमारी का शिकार होता है तो फिर वो डॉक्टर के पास या मेडिकल ट्रीटमेंट लेने जाता है, वहाँ पे इलाज से उसको असर नहीं मिलता, दवाइयों का असर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपने जब दवाई खाई, आप घर पे आके 8-10 घंटे रहे और आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी फिर आउट हो गई। और ये आँखों से दिखती नहीं है और समझ में आती नहीं है, कैसे देख पाओगे आँखों से? तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट कुछ हैं, उनकी मदद से हम ये एनर्जी को चेक कर सकते हैं कि एनर्जी कहाँ पर है। तो दोस्तों कुछ सिम्टम्स बताने जा रहा हूँ कि घर में इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, आपस में एक दूसरे को आर्गुमेंट करते हैं लोग, है ना, और बच्चे भी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हैं, या हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, घर में अनइजीनेस रहता है। कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पे जियोपैथिक होता है, जहाँ बैठ के आपको अनइजीनेस फील होता है। तो आप समझ लीजिए कि कहीं हो सकता है कि आप जियोपैथिक स्ट्रेस के शिकार हों। ये सब गूगल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मैं उसी का ही रेफरेंस आपको देके ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका किसी को पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि मैंने बताया आँखों से दिखता नहीं, समझ में आता नहीं। तो जब बीमारी हो जाती है उसका इलाज चलता है, दवाइयाँ खाते रहते हैं, फिर जियोपैथिक पे रहते हैं, ठीक होते नहीं है। दोस्तों फिर बता रहा हूँ, अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं, इमीडिएट मेरे नंबर नीचे दिए गए हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। सिर्फ मुझे करना क्या है, मैं आपकी फ़ोटोग्राफ मंगाऊंगा, आपको बताऊंगा आपको कैसे फ़ोटो भेजनी है, फ़ोटोग्राफ मंगाऊंगा, उसको स्कैन करूंगा और आपको बता दूंगा कि आपके घर पे जियोपैथिक है या नहीं है। क्योंकि अगर उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे रहा है। तो अगर वो इम्पैक्ट आपके ऊपर है, फिर आगे फर्दर उसकी ट्रीटमेंट के बारे में सोचा जाएगा कि उसको हम सील कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसको सील किया तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अब रिसर्च ये भी बताती है कि कैंसर के बहुत सारे पेशेंट जो हैं उनके बॉडी में जियोपैथिक स्ट्रेस भी पाया जाता है। कैसे? हमारी बॉडी में दोस्तों कैंसर के सेल्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम यहाँ होता है। जब हम जियोपैथिक पे रहते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, यानी कि डाउन जाने लगता है, और कैंसर जो है वो एक्टिव होने लगता है, और धीरे धीरे वो कैंसर का रूप में हमारे सामने आ जाता है। और घर के और भी तो मेम्बर हैं, अगर उन मेंबर के साथ भी सेम प्रॉब्लम आ गई तो सोचो क्या होगा। दोस्तों हम तो सारी ज़िंदगी कमाते हैं और उसके बाद में मेडिक्लेम ले लेते हैं, या फिर हम बुजुर्ग तो यही कहते थे कि बेटा पैसे जोड़ लो बुढ़ापे में काम आएगा, तो वो यही काम तो आएगा कि हम बीमार होंगे, बुढ़ापे में होते ही हैं लोग। लेकिन एक नॉर्मल तरीके से बीमार होना और एक जियोपैथिक के अफेक्ट से होना, जिसका ना तो आपके किसी टेस्ट में आ पा रहा है, लेबोरेटरी के टेस्ट में, ना ही आपको उसकी ट्रीटमेंट मिल पा रही है, तो बहुत सारे लोग तो इसी वजह से परेशान हैं। और दोस्तों डाइवोर्स तक हो जाते हैं इस घर के अंदर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आउट होने से इतना अग्रेशन आ जाता है कि लोगों के घरों में देखा डाइवोर्स हो जाते हैं। किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर जियोपैथिक स्ट्रेस पे सुलाया जाए काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक, तो उसका मिसकैरेज होने के चांसेस भी हैं। मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी का जो पार्ट टच करेगा वो पार्ट डैमेज हो जाएगा। तो दोस्तों जियोपैथिक का असर प्लांट्स पे पड़ता है, पेड़ों पे पड़ता है, रोड्स पे पड़ता है, जब एक्सीडेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। अक्सर देखा गया जिस घर में हल्के से क्रैक्स नज़र आ रहे हो, वहाँ पे अगर चेक करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि क्रैक्स आ रहे हैं तो जियोपैथिक है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो क्रैक्स आ रहे हो, पपड़ियाँ उखड़ रही हो, जो वाइट वॉश की पपड़ी होती है अगर वो उखड़ रही हो तो भी पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस हो। चींटियाँ आती हो, और एनिमल्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता है। अगर आप बिल्ली को, अगर आप जियोपैथिक वाले स्ट्रेस पॉइंट के ऊपर अगर आप बिठा देंगे तो वो इन्जॉय करेगी, डांस करेगी, वो रहना पसंद करेगी, वहाँ सोएगी। और वहीं आप गाय या कुत्ते को या घोड़े को अगर आप बिठाते हैं तो वो इमीडिएट वहाँ से इरीटेट होकर उठेगा, क्योंकि उनकी सेंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं। आपने देखा ना कुत्ता जरा सी आर्ट से सेंस कर लेता है, तो उनको ये महसूस हो पाता है, हमें नहीं हो पाता। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जियोपैथिक, जो अर्थ से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इस पर आप थोड़ा सा वर्क कीजिए। अगर आपको कोई अपने रिलेटिव में, ब्रदर सिस्टर या कहीं भी फ्रेंड सर्कल में किसी को कोई प्रॉब्लम नज़र आए, आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझे आप वीडियो, अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं, मैं फ़ोटो से ही आपको बता दूंगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, और वहीं से आपको बता दूंगा
कि आपके बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है या नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके ऊपर है तो आपकी पूरी फैमिली पे होगा, तो तैयार हो जाइए इस प्रॉब्लम के लिए भी कि उनके साथ भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो दोस्तों थोड़ी सी समझदारी अगर हम दिखाएं और पहले से अवेयर हो जाएं, तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, पड़ोस पड़ोस में सबको भेजिएगा, ग्रुप्स में भेजिएगा, ताकि ये अवेयरनेस सबके पास पहुँच जाए। और उससे पहले आप खुद सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई जो वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं ऐसी ही वीडियो आपको देता रहूँगा कुछ पिक्चर्स के साथ में, कि जब मैं आपको दिखाऊँगा कि ये जियोपैथिक के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। दोस्तों पूरी बॉडी भी स्कैन होती है, इसके बारे में चर्चा फिर कभी करेंगे। तो मेरा नाम है जितेंद्र ग्रोवर और मैं हूँ एक ओरा स्कैनर एनालिस्ट, आपका दोस्त। नए वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।